दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एप्पल के प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे एप्पल आईफोन हो गया, आई मैक हो गया, आईपैड हो गया, आईपॉड हो गया, एप्पल वॉचेस हो गए, ये इतने महंगे क्यों होते हैं? क्या इसलिए क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं, या फिर एक स्टाइल सेगमेंट है, मतलब कि शो ऑफ के लिए काम में आते हैं, या ब्रांड वैल्यू इसकी इतनी ज़बरदस्त है? लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो क्या एक बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट है, या फिर एप्पल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करता है इसलिए इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, या एप्पल स्टोर के ऊपर वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है, या फिर इसकी दो वजह और भी हो सकती हैं, एक तो एप्पल का इकोसिस्टम या एप्पल का मार्जिन। दोस्तों, बात करते हैं 2018 की, जब सामने आई थी एक न्यूज़ जिसके अंदर ये मालूम पड़ा था कि एप्पल एक जानबूझ के ऐसी अपडेट निकाल रहा है जिससे कि आईफोन जो है वो स्लो हो रहे हैं और जिसकी वजह से लोग जो है नया फ़ोन खरीदने मजबूर हो रहे हैं। 90% लोग जो है इसी वजह से फ़ोन अपना चेंज करते हैं क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से जो प्रीवियस फ़ोन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इस वजह से सबसे मेन रीज़न ये होता है फ़ोन चेंज करने का। और बाद में कमाल की बात यह है कि एप्पल ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने एक ऐसी अपडेट निकाली जिससे कि फ़ोन स्लो डाउन हो रहा था और बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो उससे ख़राब हो रही थी। ये कितने शॉकिंग न्यूज़ है, और इस वजह से एप्पल को लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ। और बाद में एप्पल ने ऑफर किया कि आप सिर्फ $29 अपने दीजिए और बदले में आप नई बैटरी एप्पल से ले सकते हैं। हालांकि ये बैटरी उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए थी, जैसे नोकिया के अंदर अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो, पर नोकिया की बैटरी के अंदर इशू आया था, नोकिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बैटरी सारी रिप्लेसमेंट की थी। सैमसंग के नोट फोन के अंदर एक इशू आया था, इसकी वजह से सैमसंग ने सभी नोट फोन को वापस दिया था और एक तरह से एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वापस देने के लिए या चेंज करने के लिए तैयार है। लेकिन एप्पल ने ऐसा नहीं किया, इसके बावजूद एप्पल के प्रॉफिट के अंदर कोई कमी नहीं आई। और प्रॉफिट के अंदर कमी ना आने की वजह ये नहीं है कि उसकी सेल कम नहीं हुई है, सेल कम हुई है। एप्पल जो नंबर वन ब्रांड था आज नंबर तीन पे आ चुका है। नंबर वन पे आज ब्रांड है सैमसंग, दूसरे नंबर पे हुआवी ब्रांड है, तीसरे नंबर पे एप्पल ब्रांड है और चौथे नंबर पे आज एमआई पहुंच चुका है। दोस्तों, ये जो सोर्स है 2018 के आंकड़े हैं जो मैं आपको नीचे जिसका सोर्स भी आपको दे रहा हूँ। दूसरी अगर बात करते हैं तो एप्पल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त का iMac जो है iMac Air, उसका जो स्क्रीन टूट गया तो उस वक्त उसने iMac जो है 57,000 रुपीज़ का परचेज किया था, लेकिन जब वो एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर में उस स्क्रीन को चेंज कराने के लिए गया तो उसको 54,000 रुपीज़ का बजट सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का दिया। तो क्या बाकी के जितने पार्ट्स थे वो 3,000 रुपये से भी कम में थे? तो ऐसे में बहुत बारी देखा गया है कि जो एप्पल के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत से ज़्यादा महंगे हैं। मतलब चार्जर की बात करते हैं तो वो बहुत महंगा है, अगर सिंपल चार्जिंग केबल की बात करते हैं तो वो बहुत महंगा है। तो ऐसे में एप्पल ने जो है वो मार्जिन इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि कई बार स्पेयर पार्ट जो है प्रोडक्ट से भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ऐसे में कमाने का एक जरिया उन्होंने अपने स्पेयर पार्ट्स के अंदर निकाले, क्योंकि उनको पता है जो एप्पल के फ़ोन यूज़ करने वाले हैं, एप्पल के प्रोडक्ट जो यूज़ करने वाले हैं, वो स्पेयर पार्ट्स भी एप्पल के ही यूज़ करने वाले हैं। एक तो इन्होंने इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन जाते हैं कि वो दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर पाते। इकोसिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए आप एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हैं और iMac साथ में आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों आप जितना भी डाटा है वो आपका साइमल्टेनियसली दोनों डिवाइसेस के अंदर अपडेट होता रहेगा, क्योंकि आपकी एप्पल आईडी जो बनी हुई है और बहुत आसानी से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और इजीली एक दूसरे में एक्सेस भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते चले जाते हैं लोग, वैसे वैसे उस इकोसिस्टम के अंदर बनते चले जाते हैं। तो चाहे फिर वॉच यूज़ करें, फ़ोन यूज़ करें, या फिर उसके हिसाब से iMac यूज़ करें, एप्पल टीवी यूज़ करें, सभी जगह पर उसको अपना डाटा मिल रहा होता है। तो ऐसे में अगर एक डिवाइस जो उसकी ख़राब हो जाती है तो वो मजबूरी में दूसरा एंड्रॉयड या किसी और फोन पे नहीं जा सकता, उसको मजबूरन एप्पल का ही प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ऐसे में अगर एप्पल प्राइस को बढ़ा भी देता है तब भी मजबूरी में उसको एप्पल के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। तो ये एक सेल्स बढ़ने की बजाय प्रॉफिट बढ़ाने में काफ़ी इजीली उनके काम आ जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छा एक तरीका नहीं लगता है कि आप एक इंसान को बांध देते हैं और उसके बाद उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, अगर लेटेस्ट अभी बात करते हैं तो मैकबुक जो नया आया है उसके अंदर लगभग सभी पोर्ट्स को एप्पल ने जो है रिमूव कर दिया है। उसके अंदर सिर्फ USB-C पोर्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर आपको हेडफोन लगाना है तो आपको अलग से एक डोंगल लेना पड़ेगा, अगर आपको एक सिंपल मेमोरी कार्ड लगाना है तो उसके अंदर आपको अलग से डोंगल लेना पड़ेगा। और स्पेशली जैसे प्रोफेशनल लोग मैकबुक को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऐसे में अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है तो अलग से आपको डोंगल लेना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब 17 तरीके के अलग अलग डोंगल एप्पल ने निकाल लिए हैं। मतलब एक बैग के अंदर आप एक लैपटॉप रखिए, साथ में आप 17 डोंगल रखिए अगर आपको पूरी तरीके से यूज करना है, और उस पर पोर्ट जो है वो पूरे ज्यादा नहीं है तो चार्जिंग के लिए भी आपको USB-C पोर्ट ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बांध दिया गया है एप्पल के द्वारा अपने यूजर को,
तो ऐसे में एक चीज़ का मेरे समझ में आता है जो मैंने अपने थंबनेल में रखा कि क्या एप्पल ऐसा करके अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। दोस्तों ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा। मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि एप्पल फ़ोन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उसका नेक्स्ट लेवल का है, लैग बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जो इंसान ये सोच रहा है कि एप्पल के फ़ोन जो है वो बिल्कुल ही दूसरे टाइप के होते हैं जो कभी ख़राब ही नहीं होते, तो ऐसा भी नहीं है। एप्पल के फ़ोन भी ख़राब होते हैं, एप्पल के स्पेयर पार्ट्स भी ख़राब होते हैं। एप्पल का बैटरी बैकअप जो है मैं खुद जानता हूँ कि कितना ख़राब है। एप्पल फ़ोन वाले चार्जर अपने साथ साथ ले घूमते हैं और उनकी केबल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। दोस्तों अगली अगर बात करते हैं तो वो बात करते हैं मार्जिन के बारे में और न्यू इनोवेशन के बारे में। आईफोन 8 और आईफोन 10 दोनों की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर 23% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब प्राइस जो है वो हिसाब से 23% बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब कंपनी ने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करा तो उसका प्राइस उन्होंने लगभग 44% बढ़ा दिया। देखिए कितना बड़ा फर्क है, मतलब 20% से ज़्यादा का फर्क उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के अंदर लगा दिया। और अगर बात करते हैं आईफोन 10 की कॉस्ट की, तो $354 जो है इसकी कॉस्ट आती है, लेकिन मार्केट के अंदर आपको $999 का मिलता है, मतलब 64% का मार्जिन लेके चलते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। दैट इज़ सो अनएथिकल। अगर कोई इस दुनिया में कोई ऐसा कानून है ना जो ये देखे कि भैया एक लिमिटेड मार्जिन ही आप रख सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ के अंदर 64 रुपये का मार्जिन रखना ये बहुत ही ज़्यादा है, और ये एक तरह से अन्याय है उन लोगों के साथ जो एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हैं। ऐसे में एक शो ऑफ के लिए कई बार लोग ऐसा फ़ोन ले लेते हैं। दोस्तों यकीन कीजिएगा कि ऐसा कोई मतलब कि चमत्कारी कैमरा नहीं है, ऐसी कोई चमत्कारी परफॉर्मेंस नहीं है एप्पल के फ़ोन्स के अंदर। मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि हाँ बहुत अच्छे होते हैं एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेफिनेटली काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है निकल के आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एप्पल के फ़ोन टूट नहीं सकते हैं, एप्पल के फ़ोन जो है वो ख़राब नहीं हो सकते हैं, एप्पल के फ़ोन में लैग नहीं हो सकता है, इनके अलग प्रोडक्ट्स के अंदर भी खराबी नहीं आ सकती है, खराबी सबके अंदर आ सकती है। तो ऐसे में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बात आती है इनोवेशन की, तो हर कंपनी आज की तारीख में इनोवेशन कर रही है। शाओमी जिसे चाइना का एप्पल बोला जाता है, मैं तो डेफिनेटली ये कहता हूँ कि वो ब्रांड जो है वो इतने बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आपको आज की तारीख में दे रहा है, तो कुछ सीखना चाहिए एप्पल को ऐसे ब्रांड से। कि डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस को बिल्कुल ही आप नीचे कर दीजिए, आपके डेफिनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च होता होगा, क्योंकि प्रोसेसर भी आपका खुद का ही है और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने इन हाउस बना लेते हैं, और सॉफ्टवेयर आपका खुद का प्ले स्टोर है जिसके अंदर आप हर एक ऐप को क्वालिटी कंट्रोल से निकालते हैं और अपने हिसाब से दोबारा से रीडेवलप करते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली पैसा लगता होगा। बट आप इतना ज़्यादा मार्जिन मत रखिए जी, 65% 64% का आप मार्जिन रखिए एक एक प्रोडक्ट के अंदर। ये एक तरह की आपके अपने ग्राहकों से जो लोग आपका सामान खरीदते हैं उनसे एक तरह से नाइंसाफी है। आप सही प्राइस पे अगर आप प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली आप दोबारा से नंबर वन ब्रांड बन सकते हैं, और आप में वो पोटेंशियल है कि नंबर वन ब्रांड आप बन के उस पर एस्टैब्लिश पूरी तरीके से रह भी सकते हैं। बस वैल्यू फॉर मनी अपने यूज़र को दीजिए, तो डेफिनेटली एप्पल दोबारा से नंबर वन ब्रांड बन सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखने के लिए, डेली टेक वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।